दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से भारत का सबसे महान कप्तान कौन है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं। भारत की टीम ने एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब पर कब्जा जमा लिया। भारत की टीम एशिया कप का खिताब 7वीं दफा जीतने में सफल हो गई है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज, टी20 सीरीज, निदास ट्रॉफी और अब एशिया कप का खिताब जीतने का कारनामा कर दिखाया। एशिया कप 2018 में रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से हर किसी का दिल जीता है। पहले तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुद को रेस्ट देकर धोनी को कप्तान बनाकर पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी प्रशंसा कराई, तो वहीं फाइनल जीतने के बाद कुछ ऐसा किया जिससे धोनी को भी गर्व हो रहा होगा। दोस्तों अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको बता दें कि एशिया कप का खिताब जब रोहित शर्मा को दिया गया तो उन्होंने बिना समय गंवाए एशिया कप के खिताब को युवा खलील अहमद को दे दिया। रोहित शर्मा के द्वारा ऐसा करता देख फैंस को कप्तान धोनी की भी याद आ गई। गौरतलब है कि धोनी जब भी कोई टूर्नामेंट जीतते थे तो झट से खिताब अपने युवा खिलाड़ियों को थमाकर पीछे चले जाते थे। यहां पर भी एशिया कप का खिताब मिलते ही रोहित शर्मा ने धोनी के नक्शे एकदम पर चलते हुए खिताब को युवा खिलाड़ियों को देकर खिलाड़ियों के बगल में खड़े हो गए। रोहित शर्मा के इस अंदाज को देखकर हर कोई उनको सलाम कर रहा है।